नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 रुपए के एक ऐसे पेन स्टॉक ने जिसे कल ही राइट इशू के लिए अप्रूवल मिल चुका है, वो अपना राइट इशू लेके आना चाहती है। तो दोस्तों उस शेयर का नाम क्या है, तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ उस शेयर के नाम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस शेयर का नाम, जिसका नाम है विकास एक्वाटेक। इस शेयर के बारे में एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी काम क्या करती है, उसके लिए लेके चलता हूँ एक अलग सी वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी काम किस में करती है। ये काम करती है रबड़, प्लास्टिक, कंपाउंड्स, केमिकल सेक्टर में भी ये काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आप बात सकते हैं कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन इनका ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी है, जिसके कारण ये स्टॉक अभी 2 रुपए के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो इस शेयर ने पिछले एक मंथ से बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए, जो कि 33% के आसपास है। एक मंथ पहले से ये इसलिए रिटर्न दे रहा था क्योंकि मार्केट में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि ये अपना राइट इशू लेके आना चाहता है, और इसने राइट इशू को अप्लाई भी किया था। तब से ये स्टॉक अपर सर्कल लगाना स्टार्ट कर चुका था, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर एकदम से नीचे गया, फिर एक बार फिर से हमें अपर सर्कल देखने को मिला। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करें तो इस शेयर में कोई दम देखने को नहीं मिलता। एक टाइम पे ये 40 रुपीज़ के आसपास हुआ करता, तो अब की बात करें तो 2 रुपये 45 पैसे पे है। अगर पिछला एक साल का चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल विकास मल्टीकॉप की तरह है। विकास मल्टीकॉप का अगर एक साल का चार्ट ओपन करके वो भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, और विकास एक्वाटेक का भी चार्ट हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के समय में विकास मल्टीकॉप को भी एक अच्छा सा जंप मारा था, जो कि 20 रुपये के आसपास गया था। उसके बाद विकास मल्टीकॉप अब जिसका नाम चेंज करके विकास लाइफ केयर कर दिया है, वो अभी 3 से 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे विकास एक्वाटेक पे, क्या हमें इसके राइट इशू अप्लाई करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसकी न्यूज़ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी न्यूज़ आ चुकी है, विकास एक्वाटेक लिमिटेड बोर्ड अप्रूव 13:10 राइट इशू एट ₹1.35 पर शेयर। तो कंपनी ने राइट इशू की रेशियो निकाली है, वो है 13:10। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप 13 शेयर को अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी राइट इशू रेशियो इस शेयर ने दिखाई है। और दोस्तों इसका प्राइस क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस 1.35 के आसपास होगा। थोड़ी सी डिटेल मैं आपको और दे देता हूँ, अगर मैं पूरा टॉपिक बढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। आपको मेन पॉइंट बढ़ा देता हूँ कि क्या क्या इस राइट इशू में होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस राइट इशू के जरिए ये कंपनी 50 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, मे भी अपना डेट कम करना चाहती है, क्योंकि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि इस कंपनी पे कितना डेट है, और जो इनके शेयर होंगे राइट इशू के वो इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी। और उसके जो प्राइस रखा गया, तो आप यहाँ देख सकते हो इशू प्राइस 1.35 पर शेयर रखा गया, और इंक्लूडिंग प्रीमियम प्राइस जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो राइट इशू का 35। तो आपको अगर इस शेयर में अप्लाई करना है तो आपको 1.35 पर शेयर के हिसाब से आपको राइट इशू दिए जाएंगे। और दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी रिकॉर्ड डेट 10 है, मतलब अगर आपने 10 जून से पहले इस शेयर को बाय किया है तभी आप अपनी राइट इशू को अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसकी ओपनिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने राइट इशू अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो है 15 जून 2021, और लास्ट डेट क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 29 जून 2021। अगर आप इस शेयर को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसी डेट के अंदर इसको अप्लाई करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो, क्या हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे इसके थोड़े से फंडामेंटल। क्या इस शेयर में दम है ऊपर जाने का, इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, रबर्स, प्लास्टिक और केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए ये काम करती है, लेकिन इसके फंडामेंटल देखने के पता लग जाएगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप जो कि 70 करोड़ के आसपास है, माइक्रो कैप में ये गिना जाएगा। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की फेस वैल्यू जो कि 1 है, और इसका सेक्टर भी E27 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। इसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी निकल के आ रही है 2.40, और कंपनी का ट्रेडिंग प्राइस देखें तो 2.45 है, जो कि बुक वैल्यू के आसपास ही है, जो कि एक प्लस पॉइंट इस कंपनी में देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्योंकि लॉस में जा रही है, कंपनी का डिविडेंड देना तो बनता ही नहीं है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो हम देखेंगे इसके रेवेन्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू 2016 में 307 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि 2017 में 371 करोड़ के आसपास चला गया था, एक अच्छा जंप देखने को मिला था। लेकिन कंपनी उसके बाद नीचे गई, थोड़ा सा जंप मारा फिर नीचे गई, मतलब कंपनी के रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी, एक अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, जिसके कारण कंपनी का प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद हमें नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि हमें 2.45 के आसपास अभी ट्रेड देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट सारा बयान कर देता है कि कंपनी इतना नीचे क्यों गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 26 करोड़ हुआ करता था 2018 में, 2019 में 16 करोड़ हुआ, और उसके बाद 1 करोड़, यहाँ पे कोविड का असर भी हमें देखने को मिला था। कंपनी ने बहुत ही गंदे रिजल्ट शो किए थे 2020 में हर एक क्वार्टर के, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो 1 करोड़ के आसपास आता है। अगर EPS की बात करें, कंपनी का EPS भी लगातार कम होता जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो आप यहां पे देख सकते हो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 2020 में 32 के आसपास हुआ करती थी,
थोड़ी सी कम हुई थी सितंबर 2020 में, और उसके बाद अभी की बात करें दिसंबर में ये 70% तक नीचे कर दी गई थी, और अभी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 9.42 के आसपास है, जो कि इन्होंने बहुत ही कम कर लिया है। एफआईएस का डाटा देखें तो दिसंबर में इसका एफआईएस का डाटा 22 के आसपास हुआ करता था, जो कि एकदम से कम करके 9% के आसपास कर दिया है, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एफआईएस भी इस कंपनी से अब बाहर जाने का सोच रहे हैं। और अगर डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने इस बार की क्वार्टर में एक अच्छी होल्डिंग इस शेयर में बाय की है। मे भी इनको पता होगा कि आने वाले समय में राइट इश्यू देखने को मिल सकता है और कंपनी ग्रोथ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी नहीं भूलना कि कंपनी अभी कोविड की सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बस इनको थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अपनी प्रॉफिट को ऊपर लाने के लिए। राइट इशू लेके आया है, मे बी कंपनी अपना डेट कम करे या बिजनेस को एक्सपेंड करे, जो कि आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों अगर आपने इस शेयर को बाय किया है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर आपने इस पे 3 रुपये में या 4 रुपये, 5 रुपये, जितने में भी बाय किया है, तो अगर आप इस पे 2 रुपये में सेल करने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। कंपनी यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है बजाय नीचे जाने के, क्योंकि कंपनी राइट इशू भी लेके आई है, डेट कम करे या अपना बिजनेस एक्सपेंड करे, और कोविड की सिचुएशन भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि सीधा सीधा बताता है कि कंपनी आने वाले समय में 2 रुपये से 4 रुपये हो सकती है। लेकिन 4 रुपये से 1 रुपये या उससे कम जाना बहुत ही कम चांसेज है इस शेयर के, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू भी 2 रुपये के आसपास निकल के आती है। तो दोस्तों अगर आपने इस शेयर को बाय किया तो आप इसको होल्ड करके रखिए, आने वाले समय में आपको प्रॉफिट दे सकता है ये कंपनी। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है कि डीआईएस ने भी इस कंपनी में एंट्री कर ली है, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, और आपको भी इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस शेयर को बाय करने की सोच रहे हो तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बताना चाहता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो इसकी बैलेंस शीट। दोस्तों अगर इसके सरप्लस बैलेंस की बात करें तो मैं सीधा ले चलता हूं इसके सरप्लस बैलेंस पे। तो आप यहां पे देख सकते हो कंपनी के सरप्लस में एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल रहा है, 115 करोड़ के आसपास, जो कि एक अच्छी बात है इस शेयर के लिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 4 करोड़ के आसपास इसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, जो कि पिछले साल 25 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि एक और प्लस पॉइंट निकल के आता है इस कंपनी के लिए। कंपनी ने अपनी डेट जो अपना बोरिंग है वो एक साल में बहुत ही अच्छी कम की है। और अगर इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास 140 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग है। 68 करोड़ की कंपनी के लिए 140 करोड़ के आसपास की बोरिंग बहुत ही बड़ी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है इस कंपनी के लिए। और दोस्तों अगर इसके एसेट की बात करें, क्या कंपनी अपने एसेट इंक्रीज कर रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 388 करोड़ के आसपास इसके एसेट हुआ करते थे, जो कि 345 करोड़ रह चुके हैं, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट निकल गया था इस कंपनी के लिए। दोस्तों इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना अमाउंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 करोड़ के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात है 68 करोड़ की कंपनी के लिए, कि उनके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ के आसपास कैश पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल और इसके बैलेंस शीट देखने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमें इस शेयर को अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो अभी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल इतने अच्छे निकल के नहीं आते, इनके बैलेंस शीट इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही कि हमें इस शेयर को बाय कर लेना चाहिए। इसके राइट इशू आ रहे हैं, इसके राइट इशू के में भी ये अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपेंड करे या ना करे, लेकिन आपको इस शेयर को अभी बाय नहीं करना। अगर इनका बिजनेस इस बार के रिजल्ट में एक अच्छा सा जंप शो करता है, कोविड की सिचुएशन भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो आप इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो आप इसमें 200 से 300 रुपये लगा सकते हो। 2000 या 3000 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस शेयर में, क्योंकि इसके फंडामेंटल इतने अच्छे निकल के नहीं आ रहे कि इस शेयर को हम ज़्यादा अमाउंट में बाय करें। लेकिन अगर आप फिर भी इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो 100 या 200 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। मे भी आने वाले समय में एक अच्छा जंप दिखा दे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं जिस हिसाब से ये प्रदर्शन कर रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।